दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कोनो एप्लीकेशन के माध्यम से एसबीआई के किसी भी क्रेडिट कार्ड को किस प्रकार सप्लाई किया जाता है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। कोनो एप्लीकेशन के माध्यम से एसबीआई के किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना काफी ज्यादा ईजी और काफी ज्यादा सिंपल होगा। तो इस वीडियो में आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूं। कंप्लीट लैब यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। जब यहां से आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है, उसमें जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा 10 से 15 दिन में बाय पोस्ट आपके घर के पते पर भी सेंड किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो ओनो एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको अपना अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो जो भी आपने अपने अकाउंट का एम पिन बना करके रखा होगा उसे यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसे भी यहाँ पे डाल करके आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। तो यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाइए, फिर जो भी आपने एम पिन बनाया होगा वो डाल करके आपको अपना अकाउंट में लॉगिन होना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से होम पेज आ जाता है। अब यहाँ से काफी सारा काम किया जाता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है कार्ड का, तो आपको कार्ड पर क्लिक करना है। देन ऊपर में डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, देन दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे नजर आता होगा माई क्रेडिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अगर आपने पहले से ही अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लिंक करके रखा होगा तो उस क्रेडिट कार्ड का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। मेरा कोई भी क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं है तो कोई भी डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर लिंक करना चाहते हैं तो लिंक नो का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को आपको अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर न्यू कार्ड को नीचे ही देखिए यहाँ पर नजर आता है ब्राउज ऑल कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितना सारा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है उसका डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपके पास नजर आता होगा। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, फिलहाल ऑल में सिलेक्ट है। तो जितना भी क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का वो यहाँ पे नजर आ जाता है। किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए नीचे ही देखिए अप्लाई नो का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल पर क्लिक कीजिएगा, तो लाइफ स्टाइल संबंधित जो भी क्रेडिट कार्ड होता है वो शो हो जाता है। रिवार्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो वो शो हो जाता है। शॉपिंग बेस्ड अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो दो यहाँ पे शॉपिंग बेस्ड क्रेडिट कार्ड नजर आता होगा। किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले उसका अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, कितना इसका ज्वाइनिंग फी है, कितना एनुअल फी है, कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलेगा, वो डिटेल देखने के लिए सबसे पहले जो क्रेडिट कार्ड है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फ्यू एंड चार्जेस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें देखिए जो एनुअल फी है वो 499 रुपया है, देख सकते हैं। रिन्यूअल फी भी यहाँ पे एनुअल फी और जो भी ज्वाइनिंग फी वगैरह है वो 499 रुपया यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाता है। फ्यूचर पे जाइएगा तो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पे कितना आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा, कहाँ पे कितना आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ पे आप कितना सामान लेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियंस पर आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर कितना मिलता है। यहाँ पे देखिए 10x रिवार्ड पॉइंट बोल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। कहीं भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो 10x रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाता है। ग्रोसरी यहाँ पे ग्रोसरी पर अगर आप स्पेंड करते हैं यहाँ पे देखिए 10x जो रिवार्ड पॉइंट आपको मिलता है वो डाइनिंग पे कहीं पे खाना खाते हैं वहां पे मिलता है, मूवी पे अगर टिकट वगैरह बुक करते हैं वहां पे, डिपार्टमेंट स्टोर पे, या तो फिर यहाँ पे ग्रोसरी स्पेंड करते हैं तो वहां भी 10x का रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है। तो जितने भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है वो सबका अलग अलग यहाँ पे फ्यूचर होता है। तो जिस भी क्रेडिट कार्ड को आपको अप्लाई करना है उसी के नीचे अप्लाई नो का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको अप्लाई नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये मेनली चार स्टेप में काम करेगा। पहला स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल देना है, दूसरा स्टेप में आपको प्रोफेशनल डिटेल देना है, तीसरा स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल देना है, और जो चौथा स्टेप होता है फाइनल स्टेप होता है, सबसे मेन पार्ट चौथा ही स्टेप होता है केवाईसी डिटेल। तो केवाईसी कहां से होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा वो अंत में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये तीन स्टेप अभी तुरंत का तुरंत होगा। तो यहाँ पर स्टेप करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट नो का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपसे मांगा जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका पर्सनल डिटेल होता है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आपका फेच हो चुका है। अब जो यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करना है वो सबसे पहले तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी वाहन है उसका गाड़ी नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है। उसके बाद जो भी आपका मदर्स का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एड्रेस, यहाँ पे जो भी आप आपके बैंक अकाउंट के साथ एड्रेस लिंक होगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट में एड्रेस होगा वो यहाँ पे एड्रेस शो हो जा रहा है। अगर आप इसी एड्रेस पर जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसे मंगाना चाहते हैं तो इसी एड्रेस को रहने दीजिए, या फिर दूसरा एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अनटिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसे भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी और यहाँ पे मदर्स का नाम डाल करके आपको नीचे आना है। पहला जो डिटेल था आपका पर्सनल डिटेल वो सक्सेसफुली यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब दूसरा डिटेल यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल आपको फिलअप करना होगा। तो यहीं भी देखिए दूसरा नजर आता होगा प्रोफेशनल डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आपको स्क्रोल डाउन करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल डिटेल में क्या क्या आपको बताना होता है, बेसिकली आप क्या काम करते हैं,
वो आपको बताना होता है। तो सबसे पहले ऑक्यूपेशन पर आना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जिस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा उसी प्रकार से डिटेल यहाँ पे डालना होगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट में आपको कंपनी के नाम या फिर कंपनी पर किस पद में काम करते हैं एड्रेस वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे आप सैलरी पर्सनल या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट सिलेक्ट करेंगे तो कंपनी के नाम, कंपनी में किस पद पर काम करता है वो आपको देने की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको सैलरी वाला सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सैलरी पर मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे कंपनी के नाम आपको बताना है, कंपनी में किस पद पे है वो यहाँ पे आपको देना होगा, देन कंपनी का एड्रेस भी यहाँ पे देना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही स्टूडेंट आप सिलेक्ट करेंगे तो कंपनी का नाम और किस पद पे है वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे जो तीसरा डिटेल होता है एडिशनल डिटेल, तो इसे भी आपको फिलअप करना होगा। उसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है और एडिशनल डिटेल में यहाँ पे ऑटो स्वैप ऑटो डेबिट को इसे आपको इनेबल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है दोनों जगह। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप क्रेडिट कार्ड में किसी भी प्रकार से शॉपिंग वगैरह करते हैं और अगर आपका पैसा वगैरह ड्यू हो जाता है, क्रेडिट कार्ड में पैसा वगैरह नहीं होता है, तो आपका बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कटता रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, दोनों बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप है, यहाँ पर नजर आता होगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं उस पर जो भी आपका बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो फॉर्म था वो यहाँ से सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अभी तक आपका तीन स्टेप कंप्लीट हुआ, चौथा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। केवाईसी जो होता है वो 24-48 घंटा के बाद ही होता है। जैसे कभी आप यहाँ पे फॉर्म रिक्वेस्ट आप सबमिट कर दीजिएगा, तो जो भी आपका फॉर्म रिक्वेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, वो सबसे पहले एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड का जो कस्टमर केयर होता है उसके पास चला जाएगा। वहाँ पे सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा, आपका डिटेल वगैरह सब कुछ सही पाया जाता है। उसके बाद जो भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड वाला जो कस्टमर केयर होंगे वो आपके पास कॉल करेंगे, आपके नंबर पे कॉल आपको रिसीव करना है। उसके बाद आपको डिटेल आपसे पूछेंगे, जैसे बेसिक से डिटेल जैसे नाम वगैरह, पैन कार्ड नंबर वगैरह, जो भी आधार नंबर वगैरह होता है वो आपसे पूछेंगे, सब कुछ डिटेल आपको बता देना है। उसके बाद जो भी केवाईसी करने का लिंक होता है वो आपका ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा, या फिर वहीं पर जो कस्टमर केयर आपसे कॉल करेंगे वो आपको तरीका बता देंगे कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, सब कुछ वो डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक है, केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर में जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो बाय पोस्ट आपके घर के पते पे आ जाएगा।